3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं। गुरुवार को दीपों का पर्व दीपोत्सव मनाया बड़े ही हर्षोल्लास से। शहर जगमगाया रंग बिरंगी रोशनियों से। घरों में मां लक्ष्मी, गणेश, मां सरस्वती, भगवान विष्णु का पूजन कर धन्य धान्य की कामना। धन की दात्री मां लक्ष्मी के पूजन के साथ दीपोत्सव गुरुवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर रोशनी से जगमगा गया। त्योहार का उत्साह और उमंग हर जगह देखने को मिला। आज हमने लक्ष्मी माता की पूजा की है। पिछले 2 साल से लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लक्ष्मी माता आई है, लक्ष्मी माता की पूजा की है। आज पूरे परिवार ने लक्ष्मी माता की पूजा की है, खूब धूमधाम से लक्ष्मी माता को मनाया है। उनसे रिक्वेस्ट करी है, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करी है कि ये 2 साल से जो कोरोना आया है, अब पूरा कोरोना ख़त्म हो जाए और सब अपने परिवार में सही रहें। लक्ष्मी माता को यही अरदास की है। पूरा परिवार इकट्ठा है, अच्छे से पूजा की है और लग रहा है कि भाई यहाँ आज 2 सालों में आज दिवाली है। घर की सजावट हुई है, शहर में सजावट हुई है और अच्छा लग रहा है। हमने इस बार पटाखे जड़ाए और खुशियाँ मनाई। और पिछली बार इतना अच्छा नहीं करा था क्योंकि पटाखे नहीं चल रहे थे कोरोना की वजह से, तो इस बार हमने बहुत पटाखे जड़ाए परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ। देखो, अगली बार तो जो कोरोना का जो चल रहा था उस कारण पूरे देश में और अपने जो प्रदेश में सभी जगह पे दीपावली पर्व कहीं नहीं मनाया गया सही तरीके से, और अब की बार लगा है कि दीपावली पर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आज हमने भी हमारे पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की है और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करी, दिल खुश हुआ है क्योंकि अगली बार भी क्या बहुत फीकी दीपावली गई थी। अब की बार पूरा शहर भी सजा है और आतिशबाजी भी हो रही है और अच्छा माहौल है। यानी पिछली बार जो कोरोना में जो कुछ नहीं हो पाया वो इस बार हो रहा है, तो हमें जो पूजा करके जो अच्छा सुख वो प्राप्त हुआ है। हम तो यही चाहते हैं लक्ष्मी जी माता जी से कि ये कोरोना का जो संकट देश पे मंडरा रहा है ये जल्द खत्म हो और सभी के घर में लक्ष्मी जी विराजमान रहे, हम यही चाहते हैं। सर्वप्रथम अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वास्तव में लगा कि दीपावली का त्यौहार मनाया है। पिछले 2 साल से हम दीपावली का त्यौहार नहीं मना पा रहे थे कोरोना की वजह से। माता जी की आरती करिए, प्रार्थना करिए माता जी से, देश में कोरोना डेंगू की बीमारी खत्म हो, धन की वर्षा हो, देश में खुशहाली हो, सुख शांति बनी रहे, घर परिवार में पूरे देशवासियों में खुशहाली बनी रहे। पिछले 2 सालों से तो दीपावली का लग ही नहीं रहा था कि कोई त्यौहार मनाया गया। पिछले कोरोना कम हुआ है तो आज लगा कि वास्तव में दीपावली मनाई जाइए और प्रार्थना करी माता जी से डेंगू कोरोना खत्म हो। पूरे घर के धूमधाम से मनाए हमने, बहुत आतिशबाजी खूब करी आज। दीपावली के मौके पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी के साथ ही ज्ञानदात्री माता सरस्वती, ऐश्वर्य के देवता भगवान कुबेर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ घरों में महालक्ष्मी का पूजन और आरती की गई। पंचमेवा मिष्ठान के भोग लगाए गए। घरों में महालक्ष्मी के भंडार को सजाकर सभी परिवारजनों ने एक साथ बैठकर महालक्ष्मी का पूजन करते हुए घर परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य व धन धान्य की कामना की। सर्वप्रथम घरों में दीप जलाकर चौराहों और मंदिरों पर भी दीप प्रज्वलित किए गए। इसके बाद महालक्ष्मी जी का पूजन कर आरती की गई। आइए देखते हैं घरों और मंदिरों में दीपोत्सव के आयोजन की कुछ खास झलकियां। पिछली बार के हिसाब से इस बार का त्यौहार बहुत ही प्यारा गया था। पिछली बार इतना मज़ा नहीं आया था, फटाके बैन थे और कोरोना चल रहा था। बट हाँ, कोरोना अभी भी है और डेंगू भी आया हुआ है, बट हाँ सेफ्टी के साथ हमने मनाई है और सबका ध्यान रखते हुए मनाइए दिवाली। पिछली बार थोड़ा सा कम मज़ा आया था, इस बार उसके अकॉर्डिंग सब ज़्यादा मज़ा आया है। शहर भी सजा हुआ है, चौपाटी भी सजी हुई है और पूरा अजमेर बहुत अच्छे से सजा हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया है। इधर हमने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाई, बहुत इंजॉय किया। और पिछली बार पटाखे बैन थे तो हमने पटाखे नहीं जलाए, इस बार हमने पटाखे बैन नहीं थे तो हमने अच्छे से जलाए और बहुत मज़ा आया। पिछली बार दिवाली में इतना मज़ा नहीं आया जितना इस बार आया, इस बार अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया। सबसे पहले मैं अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। दिवाली बहुत स्नेह मिलन भाईचारे का त्यौहार है। आज हमने भी अपने
परिवार के साथ दिवाली मनाई, खुशियाँ बांटी, आतिशबाजी करी और सबके साथ मिलकर दिवाली मनाई। और गत वर्ष भी फटाखों पर बैन था, फटाखे नहीं जला पा रहे थे, माना बच्चे भी उदास हो गए थे, फटाखे नहीं जला पाए थे। आज इस बार हमने काफ़ी आतिशबाजी करी, काफ़ी हमने परिवार के साथ किया। पहले हमने सबसे पहले तो परिवार के साथ पूजा अर्चना करी महालक्ष्मी गणेश जी की, उसके बाद फिर हमने परिवार के साथ फटाखे जलाए, पूरा खुशियाँ बांटी, मिठाइयाँ बांटी और काफ़ी हमने इंजॉय किया यहाँ पे परिवार के साथ। बच्चों ने, सबने हमने इंजॉय किया, बड़े बुजुर्गों ने, और सबका ध्यान भी रखा हमने बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि डेंगू और फैल रहा है काफ़ी, तो हमने काफ़ी ध्यान रखा हमने। और हम भी एक निवेदन करूँगा कि आप ध्यान रखें अपने परिवार का, बड़े बुजुर्ग बच्चों का, और साथ लेकर फटाखे छोड़ाएं बच्चों को, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो आप ये निवेदन करूँगा कि आप दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से त्यौहार और पर्वों के आयोजन नहीं किया जा सके, लिहाजा इस बार सरकार की ओर से मिली छूट के चलते रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी के आयोजन भी हुए। युवाओं और बच्चों ने इस बार आतिशबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति थी, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाजी भी होती रही। रात 10 बजे छोड़ रात 12 बजे तक शहरवासियों ने जमकर आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। लोगों ने पूजन के बाद घरों के बाहर आतिशबाजी जलाकर दीपावली का पर्व मनाया। पूजन और आतिशबाजी के बाद लोग रोशनी देखने के लिए घरों से निकले। शहर के अलग अलग बाजारों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर जैसे अयोध्या को सजाया गया, वैसे ही अजमेर के हर मुख्य बाजार, आनासागर चौपाटी, बजरंगढ़ चौराहा, अन्य बाजारों को बेहद आकर्षक रोशनियों से सजाकर शहरवासियों को आमंत्रित किया गया। शहरवासियों ने भी इस रोशनी के पर्व का जमकर लुत्फ उठाया। भा
दूरी अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सहाते हो, तारों की बाराते हो, दूरी की नवाते हो, बस मुलाकाते हो, सबको यही दे के संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर थोड़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर थोड़ी दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए आज अपने भाग हम सवारी। हस्त धन की देवी रूठी ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा। दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे। गली 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 के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा ने चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली ने दिन पर संतोष दे चंदने, होली सुनाई निरे तेरे को दीपावली वंदने। आज की ये भक्त करे दूर अंधेरा, दीप जले लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगाते हो, तारों की बाराते हो, दूरी की ना पाते हो, बस मुलाकाते हो, सबको यही देते संदेशा। दीपावली सांस श्री पधार आईजी और एसपी ने पुलिस जवानों को मिठाई खिलाकर दी दीपावली की शुभकामनाएं। आईजी और एसपी ने गंज थाने में बने हाईटेक स्वागत कक्ष का किया शुभारंभ। दरगाह सीओ को एएसपी की पदवी से नवाजा। गुरुवार को दीपावली का पर्व शहर भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहरवासी पर्व को हर्षोल्लास से मना सके इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने अपने कर्तव्यों के साथ ही पर्व का भी निर्वहन करते हुए गंज थाने में बने हाईटेक स्वागत कक्ष का शुभारंभ कर पुलिस जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर, एसपी विकास शर्मा, एएसपी सीताराम प्रजापत, सीओ साउथ मुकेश सोनी सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पुलिस जवानों को मिठाई खिलाई और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आईजी एस सेंगाथिर ने गंज थाने में बने हाईटेक स्वागत कक्ष का उद्घाटन करते हुए मीडिया को बताया कि पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार और गृह विभाग के निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों में परिवादियों के लिए स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। यह काम दिसंबर तक पूरा होना है और 1 जनवरी से प्रदेश के समस्त थानों में स्वागत कक्ष के लोकार्पण हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन पुलिस को लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए न्याय और राहत भी उपलब्ध कराने के लिए स्वागत कक्षों की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने दरगाह सीओ रघुवीर प्रसाद शर्मा को एएसपी का प्रमोशन देते हुए उनके शोल्डर पर बैच लगाए। एस सेंगाथिर ने कहा कि थाने में फरियाद लेकर आने वाले फरियादी को पुलिस का मानवीय चेहरा और व्यवहार देखने को मिले और उसे त्वरित न्याय मिले, इसे लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। नॉर्मली पुलिस के सामने चैलेंजेस या कोई इंसिडेंट को लेकर नेगेटिव किस्म की इंसिडेंट में ज़्यादा आना जाना पड़ता है। ये आज दीपावली का दिन अच्छा दिन है और तो अच्छा काम हुआ। एक तो गंज थाना परिसर में स्वागत कक्ष का जो शुभारंभ किया गया और साथ साथ हमारे साथी अधिकारी रघुवीर शर्मा जो आज तक डीवाईएसपी थे जो प्रमोशन के बाद एडमिशन के समय थे, ये तो बिल्डिंग आम लोगों की सुविधा के हिसाब से जो गरीब आदमी आता है परिवार ही आता है शिकायत लेके आते हैं उनकी त्वरित सुनवाई और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए एक नियमित रूप से
एक स्वागत एक्सरे जो प्रोजेक्ट है चला, राज्य सरकार का बहुत जो प्रायोरिटी वाला काम है, स्टेट में सभी जगह ये काम चल रहा है, सभी थानों में करने का प्लान है, उसके अनुसार आज कई थानों में शुभारंभ हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ और स्थानीय अधिकारियों से भी एक तरह से जो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि एक बिल्डिंग बनाना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन बिल्डिंग को सदुपयोग के हिसाब से प्रॉपर ढंग से उपयोग में आना चाहिए, लगातार इसकी मेंटेनेंस और लोगों की सुनवाई, लोगों के साथ बिहेवियर बेटर होना चाहिए, ये हमारे लिए चुनौती का काम है, उसको मैं उम्मीद करता हूँ तो बेहतर ढंग से हम लोग मैक्सिमम टाइम दिसंबर तक करना है। हम लोग 1 जनवरी को पूरे स्टेट में सभी थानों में एक साथ स्वास्थ्य प्रॉपर ढंग से चालू करने का प्लान है, अदर सभी तो हम लोकल टाइप स्थानीय तरफ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे स्टेट में 1 जनवरी को एक साथ स्टार्ट करने का एक बड़ा ये ऐसा हो रहा था बिल्कुल गलत है। जब मैं कर रहा हूँ तो बिल्डिंग बनाना तो बहुत आसान काम है, बिल्डिंग के जो उपयोग प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग ऑफिसर से सुपरवाइजर ऑफिसर उनको कह के चेक कराएंगे, गलत इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। शुक्रवार को गोवर्धन पूजन के साथ हुए अन्नकूट महोत्सव के आयोजन, घरों और मंदिरों में नई सब्जियों व मोटे धान का बनाया अन्नकूट। शुक्रवार को दीपावली के दूसरे दिन यानी राम राम वाले दिन गोवर्धन पूजन के साथ ही अन्नकूट महोत्सव के आयोजन भी प्रारंभ हो गए। घरों के बाहर परिवार की महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसका पूजन किया। मारवाड़ी महिलाएं राम राम वाले दिन सुबह उठकर महालक्ष्मी के पूजन की सामग्री से ही गोवर्धन की पूजा करती हैं, जबकि शाम को ब्रज के यानी यूपी के रहने वाले लोग गाय के गोबर से बनाए गए गोवर्धन की पूजा करते हैं। यूपी के लोगों के पूजन में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते हैं, जबकि मारवाड़ी गोवर्धन पूजन में महिलाएं पूजन करती हैं। मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन देवराज इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, तब से गोवर्धन पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। वहीं इसी दिन अन्नकूट महोत्सव भी प्रारंभ हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा जैसे दीपावली की करते हैं वैसी से गोवर्धन पूजा की जाती है, सुबह गोबर लाके गोवर्धन बनाते हैं हम बाहर और फिर सब साथ में मिलके उसकी पूजा करते हैं, जाके दीपक जला के उनके तिलक लगा के जो रात को हम प्रसाद चढ़ाते हैं माता जी के, उसी से गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। हाँ, सह परिवार सब मिल के साथ में। हाँ, एक दिन पहले तो लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, दूसरे दिन गोवर्धन जी की पूजा होती है, वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते, यहीं करते हैं, गन्ने की करते हैं, दीपक जलाते हैं, परखमा लगाते हैं, गोबर से बनाते हैं बस, तिलक लगा के, दीपक लगा के, अगरबत्ती जो भी दीपावली की होती है ना वो पूजा गोवर्धन जी की कर लेते हैं। हाँ, यही की है, गोवर्धन तो वहाँ तो पहुँच नहीं सकते हम, यहीं कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ आने वाली नई सब्जियों और मोटे धान का प्रसाद बनाकर भगवान को समर्पित किया जाता है, जिसे अन्नकूट कहा जाता है। आज आगरा गेट प्राचीन गणेश मंदिर और बालाजी मंदिर पर वृहद स्तर पर कई किलो सब्जियों और धान का प्रसाद निर्मित किया गया। आगरा गेट प्राचीन गणेश मंदिर के पुजारी महंत घनश्याम आचार्य ने बताया कि अन्नकूट का प्रसाद बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऋतु परिवर्तन होते ही नई सब्जियां और नए धान का सर्वतम भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी को लेकर हर तरह की सब्जी और धान को मिक्स करके उसका प्रसाद निर्मित कर भगवान को भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव ऐसा भगवान के सब प्रकार की सब्जियों का, गणेश जी महाराज के, बालाजी महाराज के, अन्नकूट का भोग बन रहा है, ये सब कार्य है और भगवान के सबका मिश्रण करके मूली पालक आलू गोभी रताड़ू जमीकंद भिंडी काचरे सबका मिक्स भोजन बनता है। शरद ऋतु प्रारंभ होते ही दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट हो जाता है। राजा इंद्र ने अभिमान किया था और मूसलाधार वर्षा कर दी थी। भगवान गिरिराज जी ने चिट्ठी के ऊपर अपना पर्वत उठाया और उन्होंने सब ग्वाल वालों को गायों को इकट्ठा करके और सब मिश्रण का भोग लगाया और भगवान ने राजा इंद्र का अभिमान चूर किया। जब से ही अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है, आज के दिन जो ये प्रसाद बढ़ता है उससे नाना प्रकार की बीमारियों का क्षय होता है। इसके अंदर गर्म दाल बाजरा मिलाया जाता है, मूली पालक की सब्जी, सब सब्जियाँ और मूँग चने चावल और सब चीज़ें साबुत अनाज का मिश्रण करके भगवान के भोग लगा के शाम को 6:30 बजे आगरा गेट बालाजी के मंदिर गणेश जी महाराज के मंदिर पर प्रसाद वितरण होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com सच के साथ।